अभी तो 10:30 बज चुके हैं। हम लोग को लगा था कि बाहर निकलेंगे, पर इतना बारिश हुआ कि निकले ही नहीं। ये आप रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत बारिश हुआ था इसलिए बाहर निकले ही नहीं। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एकदम कम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा समुंदर के किनारे जा रहे, बैठेंगे कुछ देर, ज़्यादातर नहीं बैठेंगे क्योंकि सोना भी है, सुबह उठ के बाहर निकलने भी है और भी कहीं जाना है। तो फिर से बारिश ना आ जाए। आ गया वही बात कर रहे थे। चलो देखते हैं, अगर बारिश होता है तो वापस चलेंगे, और नहीं होता है तो कुछ देर बैठेंगे उधर, उसके बाद वापस आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किनारे पे आ चुके हैं और अभी आप लोगों को शायद समुंदर की जो लहर की आवाज़ है वो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि इधर से आप लोगों को कुछ दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा है। और हम लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि उस साइड एक लाइट है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरा में क्या कुछ निकल आएगा वो तो पता नहीं, इसलिए इधर यहीं पे थोड़ी देर खड़े रहेंगे। थोड़ी हवा, बहुत अच्छी हवा चल रहा है, ठंडी भी है बहुत, तो अच्छा लग रहा है इधर ही। तो देखते, आपको दिखाई तो देगा नहीं यहाँ से कुछ भी, कुछ रिजॉर्ट है। और पानी शायद अभी नीचे उतर नीचे जा चुका है बहुत, और लोग तो है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही फर्क है कि दीघा के बीच में आप किसी रात में भी चले जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा समुंदर, क्योंकि लाइट होता है उधर, इधर तो लाइट है नहीं कहीं पे भी, वो आप देख सकते हैं। उधर एक ही लाइट चल रहा है, उस लाइट की वजह से तो समुंदर थोड़ा सा दिख रहा है हम लोगों को। मेरा कैमरे का क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं कि आप लोगों को भी समुंदर दिखे। तो वापस जाते हुए आप लोगों से बात करेंगे, अभी के लिए बाय बाय। अभी तो लग चुका है वापस जा रहे, और मेरे पॉकेट में चाबी था रूम का और वो खो गया। अभी पता भी नहीं चल रहा है कि गिरा कहाँ, क्योंकि पॉकेट में ही लेके आए थे। और मेरा दोस्त आकाश वो तो रूम के अंदर ही सोया हुआ है, उसको कुछ पता भी नहीं है कि रूम लग गई। हाँ, उसकी तो लग चुकी है। अभी उसको जाके अगर बोलेंगे भाई रूम की चाबी खो गई, क्योंकि वो सो रहा था, हम लोग बाहर से ताला मार के चले आए थे, लॉक करके चले आए थे। अभी वापस चलेंगे और जो अंकल था उनको पूछेंगे कि दूसरा चाबी है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है इतनी रात को, 11:30 कुछ बज रहे हैं अभी। देखते चलते वापस, देखते क्या है, चाबी मिलेगा कि भी नहीं। अभी तो रिसेप्शनिस्ट काका की जो था वो भी गायब है, फिर पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि चाबी तो फिर से मैं चाबी ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की गेट की दूसरा चाबी है भी नहीं, वो भी पता नहीं क्या करेंगे इतनी रात को। और इतनी रात को मैं फिर से चाबी ढूंढने जा रहा हूँ, देखता हूँ मिलता कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा चले नहीं हम, एक ही जगह पे खड़े थे तो उधर से थोड़ी साइड जाके बैठे थे कुछ देर, तो दोनों जगह में कहीं होगा। बीच इतना बड़ा है कि पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग खड़े क्या थे, वहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है। तो देखते हैं, ढूंढते हैं पहले, जब भी मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को, मैं जो मैनेजर था होटल का उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि वो लोग अभी आ नहीं सकते, बहुत दूर है यहाँ से। तो बोला हम लोगों को ताला जो था तोड़ने के लिए, छोटा सा ताला था, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल के बाद ये तोड़ दिए, क्योंकि हम दोनों में से किसी को भी ताला तोड़ने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ हम लोगों के साथ है। वैसे भी मैं मेरा घर में कभी ताला इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे से बहुत चाबी होता है, इसलिए मैं कभी भी मेरे घर का ताला नहीं लगाता हूँ मेरे रूम का। और यहाँ का चाबी मैं पहली बार किसी होटल का चाबी मैं अपने रूम में अपने पॉकेट में रखा और खो गया। और कल मिलूँगा मैं आप लोगों को कहीं और जाते हुए, और ये बॉक्खली में जितने भी साइट सीन हैं वो करेंगे। तो अभी के लिए सबको गुड नाइट, बाय बाय, सब अगर गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। तो सबको गुड मॉर्निंग, और बारिश हो रहा है बहुत, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आइए अभी सुबह के 10:30 बज रहे और हम लोग को आज तो साइट सीन में जाना था, पर क्या करें, बारिश इतना हो रहा है कि साइट सीन कर भी नहीं सकते,
इसलिए अभी थोड़ा सा जा रहे हैं बीच के उधर, उसके बाद आके देखेंगे क्या कर सकते हैं बारिश अगर रुक जाए तो। अभी तो बारिश में बीच पूरा खाली है, पूरा बीच। वो दो तीन आदमी उधर दिख रहा है, शायद मछली पकड़ रहा होगा, और किसी कोई तो दिख नहीं रहा है अभी के लिए। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। पानी तो थोड़ा सा आगे है कल से, कल जब आए थे तो वो बहुत पीछे था, अभी थोड़ा सा आगे आ चुका है। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और ऊपर से सूरज की किरणें भी आ रहा है, और हम लोगों को तो ऊपर से लग रहा था कि पानी बहुत पास है, और अभी चल रहे हैं तो पता चल रहा है कि पानी तो अभी भी बहुत दूर है। तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हम लोगों के अलावा शायद दो उधर और दो चार लोग हैं इस साइड, तो चलिए पानी की तरफ तो पहले चलते हैं। और ये छोटा छोटा तीन चार ड्रेने हम लोग पार कर चुके, तीन पार कर चुके, एक ए और है, और इसको भी पार करते उसके बाद उधर तक चलते। अभी तो पानी पूरा क्लियर दिख रहा है हम लोगों को, उधर से पता नहीं चल रहा था कि कितना दूर है। तो बारिश के अंदर तो व्यू बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रहा है धीरे धीरे, हम भी चले जा रहे हैं धीरे धीरे। इधर अगर बोटिंग की फैसिलिटी होता तो और भी अच्छा लगता, शायद बोटिंग की फैसिलिटी है नहीं इधर। दो तीन मिनट चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके पानी में, और पानी तो बहुत साफ है, बहुत आप देख ही सकते हैं, बहुत साफ पानी है और गर्म भी है भाई। दीघा या मंदरमणि से इसका पानी बहुत साफ है, क्योंकि मंदरमणि जिन लोग गए हैं उन लोगों का पता होगा कि पानी इतना साफ होता नहीं उधर का, और इसका पानी तो बहुत साफ है। तो चलिए उधर कुछ लोग हैं, उधर चलते हैं, देखते हैं उधर क्या हो रहा है। बहुत दूर है, वहाँ तक चलने के लिए दो तीन मिनट और चलना पड़ेगा पहले तो। तो चलो भाई लोग उधर तक चलते हैं। अरे तो पानी की खूबसूरत ही अलग लग रहा है, और इसका लहरें तो बहुत छोटा है लेकिन खूबसूरत लग रहा है। हाँ क्यूट सा है, क्योंकि उतना डेंजरस भी नहीं है और उतना शांत भी नहीं है, बीच का है तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं हम लोग उस तरफ पहले तो। साइड तो लहरें थोड़ा सा शांत लग रहा था, लेकिन इस साइड आने के बाद पता चल रहा है कि लहरें तो ठीक ठाक ही है, उतना भी शांत नहीं है जितना हम लोगों को लग रहा था। इसलिए शायद यहाँ का लहरें बड़ा है, इसलिए शायद यहीं पे आपका छोटा सा मार्केट बैठा हुआ है, और बहुत से लोग आ रहे हैं अभी। हम लोग जब आए थे तब तो पूरा खाली था, अभी बहुत सारे लोग आ रहे थे। पानी 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 आ रहा है। ये देख लीजिए लहरें तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पर से बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहा है,
और ये दोनों तो यहाँ पे ही शुरू हुआ मस्ती करना। अरे छतरी लेके आया, जब जोरों की हवा चलेगी छतरी वत्ती उड़ के कहाँ जाएगा कुछ भी पता नहीं। और अभी लोग आना चालू हुआ है, बहुत लोग आ रहे हैं शायद, हम लोगों को देख के आना चालू हुआ है, क्या पता देखते। अभी तो बड़े बड़े लहरें आ रहा है इधर। अरे एक आया आया, देखो और रहो स्टेबल। ए आया, ए आया, फोन पकड़ के दिले हासे यार कुछ और। एक और आ रहा है, जा कुछ नहीं कौता बोलते, बात करने गया था तभी मुंह के अंदर पानी घुस गया। अरे इतना खारा पानी है, तो लहरें धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों इनको मजा आ रहा है, दोनों में एक को भी तैरना आता नहीं और इनको मजा आ रहा है। पप्पू बड़ा सा लहर आ रहा है एक। तो चलिए थोड़ा सा लहरों की मजे लेते हैं, उनके बाद आप लोगों से बात करते हैं। इतना बड़ा बड़ा लहर है, कहीं मेरा फोन गिर ही ना जाए। गिरा लोग जब यहाँ आए थे तब तो कोई था नहीं, और अभी आप देख सकते कितना लोग आ गए, क्योंकि बारिश के मौसम में समुंदर की अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इधर आप थोड़ा सा देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस साइड, और लहरें भी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इधर तो लोग देख ही सकते हैं कितना लोग हो चुका है, अभी धीरे धीरे और लोग आ रहे हैं उस साइड से, बहुत लोग आ रहे हैं। हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे खाना, सुबह कुछ खाए नहीं थे, अभी सीधा जाके लंच करेंगे, और देखते हैं बारिश अगर थोड़ा सा कम होता है तो फिर हम लोग साइड सीन के लिए निकलेंगे, और नहीं तो शाम के लिए वेट करेंगे, देखते क्या होता है।